हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से जो आपकी यहाँ पे वैकेंसी जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं डिटेल में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके ग्रुप बी और सी पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी है वो आपके यहाँ जारी कर दी गई है। तो फ्रेंड्स, आपके फॉर्म हैं फिर से रीओपन आपके किए गए हैं, तो अगर आपने पहले यह फॉर्म अप्लाई नहीं करा है तो फिर से आपको ये मौका है वो आपको दिया जा रहा है, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं डिटेल में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फॉर्म भरने से पहले आप इसके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको रीड आउट आप जरूर कर लीजिए, जिससे आपको इस वैकेंसी के बारे में सही जानकारी मिल सके। उसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, जिससे आने वाली सारी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है, इस पर आप आ गए हैं। यहाँ पर आपको कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करना होगा। अगर आप यहाँ पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो आप सबसे पहले यहाँ पे आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको मिलता है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ कैंडिडेट का जो भी नेम है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है वो आप डालेंगे, गेट ओटीपी करेंगे और इस पर एक ओटीपी आएगा जिसे आपको वेरीफाई करना होगा। जब आप ये ओटीपी को वेरीफाई कर लेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पे जो आपका आधार कार्ड है तो आपको आधार कार्ड यहाँ पे नेम डालना है, आपका आधार कार्ड जो भी यहाँ पे नंबर है उसकी आपको एंट्री है वो आपको यहाँ कर लेनी है। इसके बाद आपका जो भी अदर आईडी प्रूफ है, आपका यहाँ पे जो पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, जो भी आपकी अदर आईडी प्रूफ है वो आप सेलेक्ट करेंगे, उसका आप यहाँ नंबर है एंटर कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है तो आपको डेट मंथ एंड ईयर में सेलेक्ट कर लेनी है, आपकी नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे, आपका जो भी फादर नेम है इसकी एंट्री करेंगे, आपके मदर नेम की एंट्री करेंगे, अगर आपकी बॉडी पे कोई विजुअल मार्क्स है तो उसकी आप एंट्री कर सकते हैं, नहीं तो नौ मार्क्स की आप एंट्री कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो भी जेंडर है, जेंडर आपको सेलेक्ट करना होगा, आपका मेडिकल स्टेटस आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो डोमेंसल आपकी डिटेल है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करनी होगी। तो हम से सैंपल के तौर पे डाटा डाल रहे हैं, आपका जो भी एक्चुअल डाटा है वो एंटर करेंगे। आपके पास यहाँ डोमेंसल जो सर्टिफिकेट है वो आप क्या है यस करेंगे, आपका डोमेंसल स्टेट और आपका डोमेंसल जो सर्टिफिकेट नंबर है उसकी एंट्री करेंगे, आपका जो भी रिलीजन है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, आपकी जो भी कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट करेंगे, आपका जो भी यहाँ सर्टिफिकेट नंबर है उसकी आप एंट्री करेंगे, आपका जो भी डोमेंसल यहाँ पे स्टेट है और डोमेंसल जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी आप एंट्री करेंगे। इसके बाद आपका जो भी यहाँ पे अथॉरिटी ने ये सर्टिफिकेट जारी किया है वो आपको चूज कर लेना है, आपका जो सर्टिफिकेट किस डेट को आपका यहाँ जारी किया गया है उसकी आपको यहाँ एंट्री करनी होगी। इसके बाद आप यहाँ पे जो आप फॉर्म भर रहे हैं, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के तौर पे भर रहे हैं, एक्स सर्विसमैन के तौर पे भर रहे हैं, या आप बीएसएफ जो आप यहाँ डिपार्टमेंट कैंडिडेट के तौर पे भर रहे हैं, तो वो आपको यहाँ एंटर कर लेना है। अगर आप इनमें से कोई भी आपको ऑप्शन नहीं है तो सीधे ही आप यहाँ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है ये आप सेलेक्ट कर लेंगे। और आपको इसके बाद ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगे कि अगर आप पीएच कैटेगरी में आपका कोई ऑप्शन नहीं है, आपने क्योंकि नहीं चुना है, आप यहाँ एक्स सर्विसमैन में भी आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, डिपार्टमेंट कैंडिडेट में भी आपको कोई ऑप्शन यहाँ नहीं शो होंगे। तो अगर आप यहाँ पे डिपार्टमेंट कैंडिडेट या एक्स सर्विसमैन के तौर पर अगर आप यहाँ सेलेक्ट करते हैं तो आपको जो आपकी पूरी डिटेल है एक्स सर्विसमैन की वो आपको यहाँ एंटर करनी होगी। इसी तरह अगर आप यहाँ पे डिपार्टमेंटल कैंडिडेट बीएसएफ में करते हैं तो उसकी आपको डिटेल यहाँ शो होगी। इस तरह आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है डिटेल भरने के बाद। जब आप यहाँ डिटेल भर देंगे, इसके बाद आपको अपना जो भी यहाँ पे परमानेंट एड्रेस है उसकी आपको एंट्री करनी होगी। तो आपका जो भी यहाँ पे पिन कोड नंबर है, आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका विलेज, टाउन, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, पोस्ट ऑफिस है, आपका जो भी यहाँ तहसील है उसकी आप एंट्री करेंगे। अगर आपका यहाँ परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो सेम इस पर आप क्लिक करेंगे, अलग अलग है तो इसकी एंट्री आप अलग अलग यहाँ कर लेंगे। सेव एंड नेक्स्ट आपको यहाँ पे कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने यहाँ पे आपकी जो अदर डिटेल है, जैसे कि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, आप यस करेंगे, ए है आपके पास, या आपके पास बी है, सी है, तो आपके जो भी सर्टिफिकेट है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह आपको यहाँ स्पोर्ट्स पर्सन आप रहे हैं, आप यस करेंगे, और आपका यहाँ पे कौन से स्पोर्ट्स में आप रहे हैं वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पे अगर आप रहे हैं यस करेंगे, और आपका जो भी स्पोर्ट्स है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। अभी इसका ऑप्शन आपको यहाँ नहीं देखने को मिल रहा है,
इसके बाद नहीं है सिंपली आप नो यहाँ कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो भी यहाँ फिजिकल स्टैंडर्ड है वो आपको सेलेक्ट करना है, आपकी हाइट, आपका चेस्ट, आपका वेट है, उसकी आपको यहाँ जो डिटेल है वो आपको यहाँ फिल कर देनी है। जब आप इसकी आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड की डिटेल है वो आप यहाँ फिल कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे कभी ब्लैक लिस्ट किया गया है, आपके ऊपर कोई यहाँ पे केस चल रहा है तो उसकी आपको ये जानकारी देनी है। कोई ऐसी डिटेल आपकी नहीं है सिंपली आप नो कर देंगे, नेक्स्ट आप करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट जब आप कर देंगे उसके बाद आपको अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ फिल करनी होगी। तो आपकी जो भी यहाँ क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ फिल करेंगे। तो आपको यहाँ पे अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको जो भी यहाँ पे डिटेल है वो आपको भरी हुई आएगी, हम आपको यहाँ पे भर के फिर से बता रहे हैं। तो आपको यहाँ पे आपकी जो भी यहाँ पे टेंथ आपने कर रखी है तो आप यहाँ टेंथ सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, आपका जो भी सर्टिफिकेट नंबर है टेंथ का और आपकी जो पासिंग ईयर है उसके आप एंट्री करेंगे, आपने किस स्टेट से पास करी है, आपका कौन सा बोर्ड है उसकी आपको एंट्री कर देनी है। इसके बाद आप जो इसकी एंट्री कर देंगे इसके बाद आपको ऐड पे जाके आपका जो यहाँ पे जैसे कि ट्वेल्थ है तो आपके ट्वेल्थ सेलेक्ट करेंगे, आपका जो भी सर्टिफिकेट नंबर है ट्वेल्थ का, आपका पासिंग ईयर है, आपने किस स्टेट से पास करी, किस बोर्ड से करी है उसकी आप एंट्री करेंगे। इसके बाद आपने यहाँ डिप्लोमा, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, आपने जो भी यहाँ पे आपने जैसे कि आईटीआई कर रखी है तो आप आईटीआई सेलेक्ट कर लेंगे, आपके यहाँ सर्टिफिकेट नंबर है आईटीआई का, पासिंग ईयर है, किस स्टेट से करी है, किस आपने बोर्ड से करी है यूनिवर्सिटी से, तो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपकी जो भी अदर आपकी जो आपने क्वालिफिकेशन कर रखी है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करनी होगी। तो इस तरह आप अपनी जो भी यहाँ क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको सारी डिटेल है वो आपको यहाँ नीचे आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। आपको अपनी सारी डिटेल एक बार चेक कर लेनी है, जब आप चेक कर लेंगे इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आप नेक्स्ट पे जब यहाँ क्लिक कर देंगे इसके बाद आपके पास अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो उसकी आप जानकारी देंगे, नहीं है सिंपली आप नो कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो आपको जो भी आपका एम्प्लॉई आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है उसकी आपको सारी जानकारी है वो आपको देनी होगी कि आपने कहाँ पे काम करा था, किस टाइप का आपका काम था, आपने कब से कब तक ये काम करा था। तो आपका जो भी यहाँ पे डिटेल आपसे पूछी गई है तो सभी आपको यहाँ देनी होगी। तो अगर आपके यहाँ पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका वर्क एक्सपीरियंस अगर मांगा गया है तो आपको सारी डिटेल है वो आपको भरनी होगी। अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस यहाँ नहीं मांगा गया है सिंपली आप नो कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव आपको यहाँ पे कर देना है। इसके बाद आप जब ये डिटेल यहाँ भर देंगे इसके बाद आपको नेक्स्ट पे जाना होगा। फ्रेंड्स जब आप यहाँ नेक्स्ट पे जाएंगे सेव करने के बाद तो आपके सामने यहाँ आपका जो डॉक्यूमेंट्स है रिक्वायर्ड वो आपको अपलोड करने होंगे। तो आपकी जो फ़ोटो है, आपकी जो सिग्नेचर है उसकी साइज़ आपको देखे रखिए, तो आपकी फ़ोटो की यहाँ पे 30 से 100 KB में, सिग्नेचर के 20 से 50 KB में, और आपके जो यहाँ पे आपका जो अदर आपकी जैसे कि सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस है, तो वो आपके 30 से 100 KB में आपको यहाँ पे JPG फॉर्मेट में या PNG फॉर्मेट में अपलोड आपको करने होंगे। तो आपको यहाँ अपनी फ़ोटो, सिग्नेचर, टेंथ का सर्टिफिकेट, आपका ITI सर्टिफिकेट, आपका अदर कोई सर्टिफिकेट है या फिर आपका यहाँ पे ट्वेल्थ का सर्टिफिकेट है, आपका यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट है, वो आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे। तो आपके जो भी यहाँ सर्टिफिकेट है, फ़ोटो है, सिग्नेचर अपलोड आप कर देंगे जिसकी साइज़ आपको यहाँ देके रखी है। इसके बाद जब अपलोड आपके सर्टिफिकेट आप कर देंगे, चेक कर लेंगे, डिक्लेयर आप करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट आप कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जो आपकी प्रोफाइल है अपडेट वो आपकी यहाँ पे स्टेटस आपका कंप्लीट आपको 100% देखने को मिल जाएगा। जब आप इसे यहाँ देख लेंगे इसके बाद अप्लाई न्यू ऐप का जो अटैचमेंट है इस पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो भी यहाँ पे जो पोस्ट है, रनिंग पोस्ट है, वो आपको देखने मिल जाएगी। अप्लाई हेयर का आपको ऑप्शन मिलता है तो आप इसमें यहाँ पे अप्लाई आप कर सकते हैं। अप्लाई पे जब आप यहाँ क्लिक करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पे जो पोस्ट है जिसके लिए आप यह फॉर्म भर रहे हैं तो आपकी पोस्ट आपको सेलेक्ट करनी होगी। तो आप यहाँ पे आपकी जो भी यहाँ पे आप कॉन्स्टेबल की आप पोस्ट भर रहे हैं या फिर आप यहाँ पे SI की पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो आप अपनी जो भी यहाँ पोस्ट है सेलेक्ट आप कर लेंगे। आपकी जो भी यहाँ पे टेंथ की आपका यहाँ पे टेंथ आपने कर रखी है आप यस करेंगे। आपने यहाँ पे आपका ITI आपके पास सर्टिफिकेट है या आपने 3 ईयर कोई आपके पास यहाँ पे कोर्स आपने कर रखा है, एक्सपीरियंस आपके पास है, आप यस करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे जैसे कि आपने यहाँ पे अगर ITI नहीं कर रखी और आपके पास यहाँ 3 ईयर एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ यस कर देना है। इसके बाद आपको जब आप यहाँ पे एंट्री आपकी जो पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी मांगी गई है उसकी आप यहाँ एंट्री कर देंगे। इसके बाद आपका जो भी यहाँ फिजिकल स्टैंडर्ड है, आपकी कैटेगरी है, वो आपको यहाँ आ जाएगी। इसके बाद आपको जो आपकी यहाँ पे सारी डिटेल है देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपके जो भी यहाँ पे पोस्ट के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है जो आपने यहाँ फिल करे है वो आपको अपलोड
करने होंगे। तो आप अपने जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आप अपलोड कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे सेंटर प्रेफरेंस है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। तो आप यहाँ पे जो आपका सेंटर प्रेफरेंस है, किस जगह से आप अपना सेंटर प्रेफरेंस यहाँ लेना चाहते हैं वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। तो जो भी आपका सेंटर प्रेफरेंस है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको अपने जो यहाँ पे पेमेंट है, पेमेंट आपको देखने को मिल जाता है, डिक्लेयर आपको करना होगा, क्या पे नाउ पे क्लिक करना होगा पेमेंट करने के लिए। जब पेमेंट करने के लिए क्लिक करेंगे तो कुछ ही देर में आपका जो बिल डेस्क है आपके सामने आ जाएगा। आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, जिससे भी आप अपना जो पेमेंट है आप करना चाहते हैं, जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से आप करना चाहते हैं, आपकी कार्ड की डिटेल भरेंगे, नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं नेट बैंकिंग आप सेलेक्ट कर लेंगे, वॉलेट UPI से करना चाहते हैं सेलेक्ट कब कर लेंगे, जैसे कि आप डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं आपकी डेबिट कार्ड की डिटेल भरेंगे और आप मेक पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। उस तरह आपका जो पेमेंट है आपका कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।